गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफीन व्लॉग्स। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन आ रहा है 14 जून को, और इसी सिलसिले में जो है आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ग्राफिक्स किस तरह से आप इजीली बना सकते हैं और इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आज स्पेशली जो है Adobe Stock का भी मैं फर्स्ट टाइम इंक्लूड करने जा रहा हूँ। काफ़ी फरमाइशें आ रही थी कि Adobe Stock पर क्यों नहीं बताया जाता, तो मैंने कहा चले आज उसको भी इंक्लूड करते हैं और Shutterstock पे भी मुख्तसर से अपलोड करके एक फाइल आपको दिखाऊंगा। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है Adobe Illustrator, जो कि पेड वर्जन भी अवेलेबल है और इसका कुछ कंट्रीज में क्रैक भी लोग बना लेते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बिगिनर। बट कमर्शियल यूज़ करना हो तो उसका पेड वर्जन इस्तेमाल कीजिएगा। तो ब्लड डोनेशन डे मतलब खून का अतिया देना, खून देना, किसी की जान बचाना, ये भी एक सदका है, सवाब है, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरे इंसानियत की जान बचाई, ये हदीस भी है। तो आज की वीडियो में यही है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट बना के आपको दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद से अपने दिमाग से जो है इन चीजों को करना है, ठीक है। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आपको कुछ पहले आइडियाज दिखाता हूँ, फिर हम कुछ बनाते हैं और उसको फिर अपलोड करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्क्रीन पर और गूगल इमेजेस के ऊपर मैंने सर्च किया है ब्लड डोनर डे स्लोगन्स, ठीक है। तो आप मेरे स्लोगन्स एक्चुअली मुझे चाहिए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी कुछ इतना हाफिज नहीं हूँ कि मुझे हर चीज़ जुबानी याद हो, कुछ चीज़ें मैं रिसर्च करनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है। तो वही कुछ चीज़ें रिसर्च करने के लिए मैं गूगल इमेजेस पर आया हूँ और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे स्लोगन्स हैं यहाँ पर, जिस तरह के बी अ हीरो, बी अ डोनर, बी अ लाइफ सेवर फॉर समवन, डोनेट ब्लड, डोनेट ब्लड है, और वर्ल्ड People live when people give, ठीक है। तो इस तरह मतलब काफ़ी है, लेट सर्कुलेट गुडनेस है, और जो है ब्लड डोनेट, डोनेट ब्लड, सेव लाइफ, इस तरह के मतलब काफ़ी आपको इस तरह के स्लोगन्स मिल जाएंगे, आप कोई भी इनमें से ले सकते हैं। इस पर किसी किस्म का किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, स्लोगन्स ही हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, बट अपने वे में इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन जो ओपन है वो है Adobe Illustrator की, और जो आर्ट वर्क मैंने बनाया हुआ है, आर्ट वर्क का साइज जो है मतलब जिस कैनवस के ऊपर हम काम करते हैं, एक पेज ही होता है ना, लाइक कोई भी काम करते हैं हम किसी पेज के ऊपर करते हैं, जो हमारी कॉपी होती है या ड्राइंग करते हैं, सेम इसी तरह इसमें भी एक ड्राइंग का हमें ये कैनवस मिला होता है, इसी के अंदर रह के हमने सारा अपना काम करना होता है। तो इसका जो मैंने साइज रखा है वो पिक्सल्स में रखा हुआ है, 4500 स्क्वायर है, मतलब विड्थ भी 4500 पिक्सल्स में और हाइट भी 4500 पिक्सल्स में है। रेड कलर का एक बॉक्स आपके सामने दिख रहा होगा और राइट साइड पे आपको कुछ एक वाइट बॉक्स दिख रहा है, उसके ऊपर हार्ट है, हार्ट के अंदर एक दिल की धड़कन की लहर है, उसके ऊपर एक ब्लड ड्रॉप है, ब्लड का जो ड्रॉप होता है ना वो है, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है जिसमें ऊपर एक स्लोगन है, उसके बाद एक डेट है और एड्रेस की जगह, और रजिस्ट्रेशन का एक बटन भी बना दिया है, और योर वेबसाइट है, एक वेबसाइट का भी मैंने नीचे एक लिंक देना है। तो ये मैंने एक सिंपल टेक्स्ट है ये टाइप किया हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को मैं एडजस्ट करूँगा, डिज़ाइन एक सिंपल सा बनाता हूँ और फिर इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं कि फिर क्या बनता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे पास है ये रेड बॉक्स, ठीक है, इधर ही इसी के ऊपर हमने सारा काम करना है, और जो है एक ये वाइट बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वाइट बॉक्स बिल्कुल जो है इसके मैं ऊपर के कॉर्नर्स को ना राउंड कर रहा हूँ, ये दो कॉर्नर्स में ऊपर के सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैं इसको ऐसे राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मैंने इसको उठा के ला के रख दिया यहाँ पे। अब आप देखें हमारे पास एक बड़ा अच्छा मतलब एक ऊपर मेहराब सी बन गई, एक राउंड सा बना, एक आर्च बनी है, तो जो कि हमें एक डिज़ाइन एलिमेंट हमारे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब जो टेक्स्ट होगा वो हम रेड कलर का कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर लिखा जाएगा तो वो रेड कलर में होना चाहिए। उसके अलावा ये नीचे वाला टेक्स्ट भी रेड कर देते हैं, और एक्चुअली हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, इसको हम रिवर्स कहते हैं कि जैसा टेक्स्ट है बैकग्राउंड है उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहिए, ठीक है, तो ये वही हम कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर हमने ये हार्ट शेप आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसका PNG मिल जाते हैं, उसको आप ट्रेस करके बना सकते हैं, और ब्लड ड्रॉप भी इस तरह से बनाया जा सकता है, और ये जो धड़कन की है ये मैंने खुद ही मतलब इस तरह से बनाई थी ऐसे करके पेन टूल के साथ, ये आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये देखें सिंपल, ये आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं पेन टूल से, तो यही मैंने किया हुआ है यहाँ पर। और अब क्या करेंगे, इस जो एलिमेंट है हम इसको पहले एक्सपेंड अपीरियंस कर रहे हैं इसकी, और फिर उसके बाद एक्सपेंड करेंगे हम, और ग्रुप कर देते हैं इसको, और छोटा करके यहाँ पर ऊपर कहीं एडजस्ट करते हैं ताकि ये एक जगह ऊपर से ले ले। उसके बाद है डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ, इसको हम बिल्कुल सेंट्रलाइज करके जो है
टाइपोग्राफी का थोड़ा सा एलिमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें डोनेट और ब्लड जो है इस तरह से हम लेफ्ट राइट से इसको इक्वल करेंगे और यहाँ से भी इसको एंड सेव लाइफ यहाँ से, ठीक है। और डोनेट को हम कर देते हैं ब्लैक एंड इसको भी कर देते हैं ब्लैक, अब देखें, ठीक है। और जो डेट है इसको थोड़ा सा फासले पर रख के इस तरह से यूं करेंगे और एड्रेस भी हम सेंट्रलाइज करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन है और वेबसाइट है, वेबसाइट भी छोटी सी कर लेंगे सेम इतना जितना एड्रेस का है और ये ले, ठीक है। ये हमारा तकरीबन एक टेम्पलेट नुमा रेडी हो चुका है। तो सोशल मीडिया के ऊपर टेम्पलेट्स भी लोग यूज़ करते हैं, जो कंपनीज होती हैं वो इस तरह के टेम्पलेट्स उठाती हैं कि उनको बनवाना ना पड़े कहीं से, उनको बनी बनाई चीज़ मिल जाए, जस्ट वो यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो पुट करें, अपना नीचे डेट या एड्रेस जो भी चेंज करने वाला हो वो खुद से कर लें और उसके बाद इसको सिंपली अपलोड किया जाए, ठीक है। तो ये है हमारी तरफ से जो है बन गया और बस इतना सा है, मैंने इसको इतना ही बनाया। कोई भी ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा बैकग्राउंड कैनवस के साइज से बाहर ना जाए, मतलब जो आपकी बैकग्राउंड इधर है वो ज़रा सी ऐसे ना पड़ी हो, ठीक है। ये देख रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेटली पड़ी हो, ठीक है। और ये आपने इसको सेव कर लेना है, सेव करने के बाद जब आपने इसको अपलोड करना है, अपलोड करने से पहले इसकी EPS बनानी पड़ेगी और EPS बनाने के लिए जो शराइत है नंबर वन पे है वो टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्म में नहीं देना, मतलब अभी जो टेक्स्ट हमारा है इस पर क्लिक करें तो ये एडिट हो रहा है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर हम चेंज कर सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सारे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमने राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस कर देना है इसको, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब आपने फाइल को सेव एज कर लेना है, सेव एज करने के बाद आपने इसको EPS सिलेक्ट करना है यहाँ से। EPS के बाद नीचे देखिएगा ये यूज आर्टबोर्ड का ऑप्शन आ रही होती है, इसको लाजमी चेक कर लीजिएगा, ये चेक होगा तो सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद यहाँ से जो वर्जन होगा ना Adobe Illustrator 2020 का वो आपने रखना है मैक्सिमम 10, ठीक है, 8, 9 या 10, इससे इसके अलावा आपने नहीं रखना। तो मैं 10 रख रहा हूँ और बाकी सेटिंग्स आपने सेम मैच कर लेनी है और ओके कर देना है। तो ये फाइल आपकी यहाँ पर सेव हो गई है। अब आपने शटरस्टॉक का अपना डैशबोर्ड खोल लेना है और अपलोड के साइन पर जाके अपने इसको अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पे अपलोड और सिलेक्ट मल्टीपल फाइल कर रहा हूँ और ये 8 नंबर फाइल है जो मैंने अभी सेव की है, ये अपलोड हो रही है। मीनवाइल मैं Adobe स्टॉक का अकाउंट भी आज पहली बार अपना रिवील कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे अपलोड करना है। सेम अकाउंट बनाने का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है, बट वो मैं इस प्रोसेस में भी नहीं पढ़ रहा, आपको जिनके बने हुए हैं उनको बता दूं, मैं इस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि Adobe स्टॉक पे कैसे अकाउंट बनता है, क्योंकि थोड़ा सा ये शटर स्टॉक के हवाले से टेक्निकल है, क्योंकि वो मैं जब अकाउंट बनाऊंगा उसमें ही बताऊंगा। जब आप इसमें अकाउंट बना लेते हैं तो सेम डैशबोर्ड आपको इस तरह का दिख रहा होता है अपना, ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है। उसके बाद ये ऊपर अपलोड का बटन होता है आपके पास, आपने जस्ट इस पर अपलोड पे क्लिक करना है तो ये आ जाएगा आपके पास एक बबल ब्लू कलर का और उस पर लिखा होगा कि ड्रॉप एंड ड्रैग फाइल्स और ब्राउज, तो ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये कंप्यूटर पे खुल जाएगी, जहाँ पे भी आपने फाइल सेव की होगी उसको सिलेक्ट कर लें और आपकी फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी वन क्लिक पे। अफसोस की बात ये है कि मतलब हमारे लिए कि ये है कि इसकी कोई मोबाइल ऐप नहीं है, कि आप जैसे शटरस्टॉक ने आपको मोबाइल ऐप दी है इस वजह से इन्होंने नहीं दी भी, तो ये एक थोड़ा सा है, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर इसके लिए होना चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादातर लोगों को शटरस्टॉक इसीलिए ही रिकमेंड करता हूँ कि मेजॉरिटी ऐसी है, 80% लोग ऐसे हैं मेरे स्टूडेंट्स में जिनके पास है ही मोबाइल, तो बहुत कम लोग हैं और उनकी तरफ से जो फरमाइश आ रही थी चलें आज ये भी पूरी कर लेते हैं कि फाइल अपलोड हो रही है। मीनवाइल हम शटरस्टॉक पे आते हैं और यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और अपने सबमिट कंटेंट के मेन्यू में हम मूव कर चुके हैं, तो ये फाइल मेरे पास सामने आ चुकी है मेरे। सेम एज यूजुअल हमें डाटा फीड करना है, इस पर क्लिक करेंगे और हमें इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह बतानी पड़ेगी, जो डिटेल्स हम यहाँ देंगे उसी को ही कॉपी करके हम वहाँ पर Adobe स्टॉक पर भी पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। कमर्शियल यूज़ हमने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं डिज़ाइन के बारे में ही बताऊँगा, डोनेट ब्लड एंड सेव अ लाइफ, ये मैंने वही सेंटेंस लिखा है जो डिज़ाइन के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। और रजिस्टर नाउ सोशल मीडिया पोस्ट और टेम्पलेट एडिटेबल EPS फाइल फॉर कॉर्पोरेट कंपनीज, ठीक है, ये मैंने इतना कुछ काफ़ी लिख दिया है।
और साथ एक चीज हमने ऐड कर देते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, ये भी मैंने ऐड कर दिया ताकि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन के हिसाब से भी कोई सर्च कर रहा हो तो उसकी सर्च में आ जाए। पहली कैटेगरी आप इसकी हेल्थ और मेडिकल के वाले से दे दें, सेकंड कैटेगरी आप इसकी साइन एंड सिंबल्स के वाले से दे दें, लोकेशन आप अपनी लाहौर या दुबई की कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना सीधा कीवर्ड के ऊपर, कीवर्ड जो आपको वो बता रहा है वो भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप खुद से भी जाके सर्च कर सकते हैं, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर। अब आपके सामने काफ़ी डिज़ाइन आएंगे, यहाँ से कोई से तीन सिलेक्ट करते ही आपके पास कीवर्ड आ जाएंगे। तो मैंने तीन सिलेक्ट किए, मेरे पास कीवर्ड आ गए, कुछ डिफरेंट करने हैं तो नीचे से आप और ले लें, ठीक है। फिफ्टी हो गए हैं, इतने काफ़ी हैं। इसको क्रॉस करके हम वापस आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे और फाइल पे ब्लू टिक भी चेक कर लें और बाकी सारी चीज़ें हमने फौरी कर ली हैं, इतना टाइम नहीं लगा है। अब यही चीज़ें हमने कॉपी करके एडोबी स्टॉक वाले डिज़ाइन के साथ हमने पेस्ट कर देनी है, कोई इशू नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं ये टाइटल इसका कॉपी कर लेता हूँ, जो हमने डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी है वो कॉपी की और मैं इधर आ गया। और यहाँ पे होता ही है कि आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट करना होता है, अगर आपने मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर ली हैं इस तरह से शिफ्ट के साथ, ठीक है, यूँ क्लिक करते जाएं शिफ्ट पकड़ के तो मल्टीपल क्लिक हो जाएंगी, आप सबको इकट्ठा भी डाटा दे सकते हैं। बट अभी मैं क्योंकि एक ही फाइल को कर रहा हूँ इसी को ही सिलेक्ट करूँगा और इसके साथ आप राइट पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है फाइल टाइप क्या है, वेक्टर बाय डिफॉल्ट लॉक हुई हुई है क्योंकि मैंने EPS फाइल दी है, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, सेम शटरस्टॉक की तरह। और दूसरी है कैटेगरी, कैटेगरी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से देखूँगा कि कौन सी कैटेगरी लगती है। हेल्थ की कोई कैटेगरी मुझे ऐसा अभी नज़र नहीं आ रही, साइंस की नज़र आ रही है तो मैं साइंस के ऊपर कर देता हूँ क्योंकि हेल्थ वाली कोई इस तरह की विजिबल है नहीं, तो साइंस वाली करके हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब वो पूछ रहा है उसके बाद आई एम राइटिंग टाइटल कीवर्ड इन इंग्लिश, अगर आप किसी और जुबान में लिख रहे हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ तो ये ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इंग्लिश में करेंगे, बाकी लैंग्वेज चेंज करेंगे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रही है दिस इज इलस्ट्रेटिव एडिटोरियल कंटेंट, मतलब एडिटोरियल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, शटरस्टॉक पे दो वीडियोस बना चुका हूँ वो आप देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूँ कि अगर इसमें मैंने कोई कॉपीराइट लोगो यूज़ किया होता या किसी ह्यूमन मतलब कोई भी ऐसी कॉपीराइट ट्रेडमार्क चीज़ यूज़ की होती तो फिर मैं इसको एडिटोरियल सिलेक्ट करता, अभी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोगो ऐड किया वो भी एक ऐसा हाथ का ही बनाया हुआ है तो मैं इसको चेक नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब कि मैं इसको कमर्शियल में इस वक्त सबमिट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये एडिटोरियल में चली जाएगी तो मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा। उसके बाद ऑप्शन है क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव AI टूल्स, कि अगर आपने इसको AI जनरेटिव टूल्स की मदद से बनाया है तो फिर आप इसको चेक कर दें ताकि जो खरीदने वाला हो उसको भी पता हो कि ये किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाया, ये मतलब मशीन लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू बना गया है, तो अभी क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है तो मैं इसको चेक नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरी ऑप्शन भी एक बतानी होती है कि क्या ये एक आइकॉन है, वो पूछ रहे हैं दिस इज एन आइकॉन, तो ये आइकॉन नहीं है, ये सोशल मीडिया टेम्पलेट है, ठीक है, डिज़ाइन है। अगर तो मैं सिंपल एक दिल की ये देता ना ऊपर फोटो, दिल बना होता या सिंपल ड्रॉप होता तो फिर मैं इसको आइकॉन चेक करता, ठीक है, अभी क्योंकि नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो मैंने इसको चेक नहीं किया। उसके बाद एक ऑप्शन है रिकॉग्नाइजेबल पीपल और प्रॉपर्टी, क्या आपके डिज़ाइन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी किसी की बिल्डिंग प्राइवेट नज़र तो नहीं आ रही या कोई भी ऐसा ह्यूमन एलिमेंट तो नहीं दिख रहा कोई, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसलिए मैं इसको नो पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारी नो पे ब्लू टिक ब्लू हाईलाइट हो गई है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन, मतलब कि टाइटल, ये लोग टाइटल कहते हैं इस चीज़ को, अभी जो मैंने कॉपी की है ना वहाँ से वही मैं यहाँ ला के पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया अपना टाइटल। उसके बाद ये रीऑर्डरिंग टूल है, ये कीवर्ड्स के लिए है, मतलब आप कीवर्ड जो यहाँ टाइप करते रहते हैं या लिखते रहते हैं वो रैंडम होते हैं, आप उसको रीऑर्डर भी कर सकते हैं, वो आप यानी कि A to Z मतलब सारे एक ऑर्डर में आ जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं यहाँ से सारे कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इधर आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर आपको एक एरर दे रहा होगा, वो कह रहा है ये रिमेनिंग कीवर्ड्स -1, वो कह रहा है एक कम कर ले आपने, एक एडिशनल दे दिए, ये एक्चुअली 49 एक्सेप्ट करते हैं, इनके मैक्सिमम 49 है और शटरस्टॉक पे मैक्सिमम 50 है, तो एक का फर्क आ गया है। मैं यहाँ से लास्ट वाला रिमूव कर रहा हूँ और ये देख ले, ठीक है, ये तकरीबन अब वो कह रहा है ठीक है ओके आपके, अब मैं इसको रीऑर्डर भी करूँगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट
आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, प्री ऑर्डर करते ही ये देख लें वो सारे ऑर्डर में ले जाता है। ठीक है, हम इसको ऑफ ही रखते हैं। उसके बाद नीचे और कोई भी इसमें चीज़ नहीं है जो बताने लायक है, बस ये हमने यही कुछ करना था इस फाइल के साथ। और अब हम यहाँ से सिंपल इसको ऊपर से सबमिट करेंगे। अब सबमिट में आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ है सबमिट 26 फाइल्स। अब मुझे पता है 26 नहीं है, अभी एक ही मैंने सिलेक्ट की हुई है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे अभी। ठीक है, करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि वाकई कितनी करनी है, फिर हम वहाँ से अनचेक कर सकेंगे। ठीक है, ये सबमिट पे क्लिक किया। उसके बाद भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में वो आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, या आप ये वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। वो आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि ये मतलब AI जनरेटेड तो नहीं है, आपका अपना कंटेंट है। वही चीज़ें दोबारा आपसे पूछ रहा है जो पीछे कर चुका है, मतलब एक बार दोबारा से आपको याद दिलाता है कि आप वाकई में ये आपकी अपनी चीज़ है, और कोई आप इसमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं हमें दे रहे। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लिया करें। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास ये ऑप्शन आती है, वो कहता है यहाँ से सिलेक्ट करें कितनी फाइल्स देना चाह रहे हैं। तो अभी क्योंकि मैंने पहली देनी है तो बाकी सबको मैं अनचेक कर रहा हूँ यहाँ से, और सिर्फ पहली वाली को सिलेक्ट करूँगा और हल्का सा नीचे माउस लाऊंगा तो ये सबमिट की ऑप्शन है यहाँ पे, बस इसको आपने दबा देना है। ठीक है, तो आपकी फाइल यहाँ से चली गई है, सबमिट हो गई है और वो इन रिव्यू में चली जाती है। इसका नेक्स्ट मेन्यू है इन रिव्यू, पहले भी मैंने कुछ सबमिट की हुई है वो इधर ही पड़ी हुई है, तो ये भी अब इसमें सबमिट हो गई है। इसकी जो फाइल होती है अप टू 8 वीक्स भी ले जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ है थोड़ी सी परेशान होने वाली कि शटरस्टॉक तो सिर्फ 5 दिन ले रहा है, ये 8 हफ्ते ले रहे हैं, मतलब के तकरीबन 2 माह ले लेते हैं आपके। 2 माह तक आपने इनको कुछ कह नहीं सकते कि भाई 2 माह बाद भी अप्रूव हो रही है, तो ये टेंशन नहीं लेनी। अब आपको समझ आ रही होगी चीज़ें कि मैं क्यों शटरस्टॉक पे इतना फोर्स करवा रहा था आप लोगों को। आप लोग मुझे कह रहे थे नहीं कि मैं अडॉप्ट कराएं, अडोबी सिखाएं। अडॉप्ट थोड़ा सा स्लो है बट यहाँ पे अर्निंग भी है, लेकिन यहाँ पर ज़रा आर्टिस्टिक टाइप लोगों की अर्निंग है। जो बिगनर आते हैं वो थोड़ा यहाँ पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनका क्वालिटी चेक वाला सिस्टम भी है। अगर तो उनको लगता है आपका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब वो होता है ना कि डिज़ाइन तो आपने बड़ी मेहनत से बनाया बट उनकी क्वालिटी पे पूरा अप्रूव नहीं हुआ या उतरा नहीं, उनको पसंद नहीं आया उनके रिव्यू, तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये 8 हफ्ते अब वेट करें, मेरे तो अक्सर जल्दी हो जाते हैं, हफ्ते में ही हो जाते हैं या 4 दिन में भी हो जाते हैं। आपको ईमेल आती है, हाँ ये मैं आपको बता दूं, आपको ईमेल करते हैं और बताते हैं कि हमने रिजेक्ट किया या अप्रूव किया, तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है अडोबी का सीन। उसके बाद जो भी आपके नॉट एक्सेप्टेड होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे नॉट एक्सेप्टेड में। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो चीज़ें रिजेक्ट हुई हैं वो इन्होंने यहाँ पर अलग कर दी हैं। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस, और आपके सामने मैंने ये सिंपल सा फाइल एक अपलोड करके दिखा दी है। उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी आपको। बाकी आपने आइडियाज़ लेने हैं तो जाएं shutterstock.com पे और वहाँ पर सर्च करें ब्लड डोनर डे। ठीक है, और फिल्टर लगा दें वेक्टर्स का और सर्च करें, आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे मिनिमल सिंपल सिंपल से डिज़ाइन आएंगे। इनको देखें, ऑब्जर्व करें, ये भी किसी इंसान के लोगों ने ही बनाए ना, इंसान के बच्चों ने बनाए हैं, तो ये चीज़ें इजीली बनाई जा सकती हैं, ये आप कर सकते हैं। ये इसको इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, पीछे वर्ल्ड मैप लगा हुआ है हाथ का, आप खुद से अपना एक बना लें। ठीक है, वर्ल्ड ड्रॉप भी आपको मिल जाएगा और टेक्स्ट लिखा हुआ है, और कोई इसमें चीज़ नहीं है और ये पहले पेज पर रैंक हो रहा है। ठीक है, ये भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपके सामने है, बस डिज़ाइन है। आइडियाज़ लें और अपने मर्जी से कुछ डिफरेंट कलर्स करें, साइजेस चेंज करें और अपलोड करें, बस ये है। एक थीम एक टेम्पलेट बनाने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी वेरिएशंस बनाने की तरफ जाते हैं तो मैं समझता हूँ आपको ही पता होगा, आप बनाते होंगे तो इतना टाइम नहीं लगता, वेरिएशंस फौरी बनती चली जाती हैं। तो गाइज ये था आज, शटरस्टॉक और अडोबी स्टॉक को मैंने दोनों को ही कवर कर दिया एक वीडियो में, और आज से अडोबी स्टॉक पर भी काम स्टार्ट हो गया है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद और भी वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट में आ जाएं, देख दें, बता दें, कोई क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा सब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा व्यूज़ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लोगों के सवालात और कमेंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और मेरे लिए जाहिर सी बात है दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उसमें से कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम हो सकता है मैं देता हूँ, और जिनके रह जाते हैं सवालों के जवाब वो परेशान ना हुआ करें, इंशाल्लाह या तो उनकी बारी आ जाएगी या रह जाती है तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाएं। ये दोनों अकाउंट मैं दे देता हूँ, इंस्टाग्राम भी है और टिकटॉक भी है, आप वहाँ जाके भी अपना स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, वह स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्ड करके छोटी सी ज़रा वो भेज दिया करें, मैं वो देख के भी बता दूंगा कि उसमें क्या इशू आ रहा है, क्या है और कैसे इसको टैकल करना है। ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, मैं भी तो कर रहा हूँ, दुनिया भर से लाखों लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं।
तो गाइस यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में मेरा नाम लिख दें, वलीद आफ़रीन चलें, जिससे अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है कि एक ऑडियंस आती है और देखती है, मोहब्बत करती है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मजीद अगर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और भी बहन भाइयों के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बस यही था आज की वीडियो में, और एक पैगाम है, 14 जून को अगर आप दे सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो लाजमी करें और लोगों की जान बचाएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वीडियोस ज्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आफ़रीन व्लॉग्स।